हेलो फ्रेंड, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम जैसे कि आपको पता होगा, ड्राफ्ट मैन का हम यहाँ पे सॉल पेपर कर रहे हैं। ये आपके पास 2022 में ही ये यहाँ पे एग्ज़ाम आया था, ठीक है। तो आज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 25 तक हो गए थे, ओके। अब आज 26 से लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं 50 तक, ओके। तो आज हम इसमें देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग मॉक टेस्ट यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही डालता है ड्राफ्ट मैन, इतना आपको पता होगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम। और हाँ, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, जिसने भी PDF नहीं लिया हमारी 35 PDF, ओके, ये ड्राफ्ट मैन के लिए, सारे ड्राफ्ट मैन को कवर करती है, कोई भी स्टेट के ड्राफ्ट मैन को कवर कर लेती है। पूरा सिलेबस हमने इसमें डाल रखा 35 PDF में, ठीक है। तो आपके पास, अगर आप NHPC ड्राफ्ट मैन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 12 सब्जेक्ट आ रहे हैं, ओके, टेक्निकल के, तो ये आपको 79 रुपीज़ में मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड MCQ 79 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसमें 12 सब्जेक्ट की, तो देखिए एक सब्जेक्ट की 2 PDF रहेंगी, जैसे बिल्डिंग मटेरियल की 2 सब्जेक्ट की PDF रहने वाली है, ओके। तो एक तो अलग रहेगी, 2, यानी कि लगभग लगभग आपके पास 600+ क्वेश्चन ड्राफ्ट मैन के हो जाएंगे, जिसमें हमने ITI के एंड डिप्लोमा के डाले हुए हैं ओनली, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और आपको देखने को मिल जाता है। ऐसी आपको हर उसमें मिल जाएंगे। बट जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस ऑटो कैट के भी हम क्या देखते हैं, PDF देते हैं, उसमें भी आंसर आपको मिल जाता है। एक PDF तो आपने ये पढ़नी है, ओके, जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और बाकी और एक PDF आपको हम देंगे, कौन सी, जो YouTube में हुई है, उससे बाहर नहीं आएगा, YouTube वाली में से बाहर नहीं आएगा, ओके, वहीं से आने वाला है YouTube और इन दो इंजीनियरिंग ऑटो कैट के, ओके। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं, इसके जो आंसर रहते हैं वो YouTube वाले के YouTube में ही रहते हैं, PDF आपको मिल जाती है, ठीक है। अगर आपने 35 PDF लेनी है, या NHPC की लेनी है, या आपके पास कोई भी अदर स्टेट की लेनी है, तो आप लोग इसमें नंबर में 9149302924 में मैसेज करके ले सकते हैं। पहले बता देते हैं आपको, ओके, ओनली ओनली पहले बताते हैं, ये इंग्लिश में अवेलेबल है PDF। बाकी जो 35 PDF है, 99 रुपीज़ में मिलेगी। NHPC की 12 सब्जेक्ट की PDF दो दो मिलेगी, वो आपको 79 रुपीज़ में अभी करी गई है, पहले बता दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। ग्रीथ ऑफ द ट्रीज आर टू मेजर एट हाइट डेडेडेस अबव द ग्राउंड लेवल, ओके। ये आपके पास ग्राउंड लेवल हो गया, ये आपके पास ट्री हो गया, यानी कि ओके, ग्रीथ का ट्री, तो ये आपके पास एक इंसान हो गया। यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको मेजर करते हैं, ट्री की जो वृत्त से मेजर करते हैं, चौड़ाई से कितना होता है, वो 1 मीटर जनरली होता है, कितने ग्राउंड लेवल से उसकी परिधि, ओके, ऊंचाई उसकी परिधि कितनी होती है, 1 मीटर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। कुछ लोगों को होती है, यहाँ पे इंग्लिश में बता रहे हैं, हिंदी में बताइए करके, ओके। तो इसका क्या होगा, ग्रीथ ऑफ द ट्री आर टू मेजर एट हाइट डेडेस अबव द ग्राउंड लेवल, आप लोग लिख सकते हैं, यानी पेड़ों की जो परिधि होती है, जमीन स्तर से ऊपर की ऊंचाई पर मापी जाती है, ठीक है, मापी जाती है, कितनी मापी जाती है, 1 मीटर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से है। अ क्वीन पोस्ट रूफ ट्रस इज सुटेबल फॉर रूफ ऑफ स्पान वेयरिंग, यानी कि क्वीन पोस्ट का आपके पास पूछा गया है। तो क्वीन पोस्ट का पहले मैं आपको लिखा देता हूँ, क्वीन पोस्ट का कितना होता है स्पान, ये आपके पास 8 से 12 मीटर का होता है। यह हमारा बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, PPSC, ओके, उत्तराखंड के पेपर, UKSSC 2012 या 2013 में आया हुआ है, PPSC में, तो यहाँ पे 2012 में पूछा गया था, ओके, वो भी ड्राफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, ओके। तो अब हम इसमें कुछ अगर यहाँ से बनेगा तो कुछ पूछ सकता है, किंग पोस्ट का भी ये होता है आपके पास 5 से 8 मीटर क्या होता है, स्पान की लेंथ होती है, स्पान की लेंथ। अब आपके पास प्रेट ट्रेस होता है, आपके पास कितना होता है, 6 से 10 मीटर का स्पान की लेंथ होती है, और आपके पास होप ट्रेस की होती है आपके पास 6 से 30 मीटर स्पान की लेंथ होती है, ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वही बात करें, अगर क्वीन पोस्ट की बात करें, तो ये आपके पास कैसा मेंबर होता है, टेंशन मेंबर होता है, ओके, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब हम लिखा दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास, क्वीन पोस्ट 8 से 12 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्वेयर चैन, सर्वेयर चैन मतलब वही आपके पास गंटर चैन, ओके, क्या गंटर चैन। अब देखिए आप लोग इसमें ट्रिक भी देख सकते हैं, ये आपके पास क्या बनना है, 6 के शेप में बनना है ना, तो ये आपके पास 66 फीट की ये लेंथ हो जाती है, 6 की ये ट्रिक होती है, 66 फीट की लेंथ आपके पास हो जाती है। इसमें अलग अलग होते हैं, क्या क्या होते हैं आप लोग देख लीजिए, रेवेन्यू चैन की, रेवेन्यू यानी कि राजस्व चैन की कितनी होती है, 33 फीट होती है, ओके। वहीं बात करें हम इसमें इंजीनियरिंग चैन की,
कितनी होती है आपके पास, 100 फीट होती है। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यह आपके पास डायरेक्ट डेफिनेशन है। मेथड ऑफ सर्विंग टू डिटरमाइन द रिलेटिव एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, उसको कहते हैं लेवलिंग कहते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन लेवलिंग की है। ओके, लेवलिंग क्या होता है, वर्टिकल आपके पास डायरेक्शन निकालने के काम में आता है। ओके, तो जैसे आप लोग देखे होंगे टावर को, ये आपके पास टावर है, तो आप लोग यहाँ से लेवलिंग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से कुछ एंगल निकालते हैं ना, तो आपके पास क्या है, रिलेटिव एलिवेशन निकालने काम में आता है लेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों की ये आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे तो बहुत ज़्यादा वीक है बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा, और सर्वे बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट यहीं से बनते हैं, आप लोग देख रहे होंगे ऑटोकैड एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, ये आपके पास ही जो है मेन सब्जेक्ट है, यहीं से आपके पास 70 से 80% यहीं से बन जाते हैं। अच्छे से करके जाना, ओके, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं वहाँ से करिए, मगर ड्राफ्टमैन और ITI लेवल या डिप्लोमा लेवल के आपको करने पड़ेंगे, यानी कि जे लेवल के तो वहाँ काम में नहीं आएंगे। तो देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। एपेक्स लाइन ऑफ स्लोपिंग रूफ इज कॉल्ड, एपेक्स लाइन क्या होती है आपके पास, रिज लाइन, ये तो डायरेक्ट है, यानी कि क्या कह रहा है, एक स्लोपिंग रूफ की एपेक्स लाइन क्या कहलाती है, वो कहलाती है रिज लाइन। आप लोगों ने देखा होगा ये, ठीक है, तो जो ये आपके दो स्लोबों को जो अलग करता है वो एक रिज लाइन होती है, ये आपके पास एपेक्स है, एपेक्स लाइन। ओके, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बता दें आपको हिप्स की डेफिनेशन पढ़ लेना, हिप की पढ़ लेना, वर्ज की पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, फिर आपके पास वैली की पढ़ लेना एक, ओके, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्रिट्स की भी पढ़ लेना आप लोग, पल्लिन क्या होता है देख लेना। ओके, फिर बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज नॉट नॉट पूछ रहा, कीवर्ड शॉर्टकट ऑटो के, तो आपके पास ए बी सी या फिर डी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके पास शॉर्ट कीवर्ड नहीं होती, ALT+B, ठीक है, ये आपके पास शॉर्ट कीवर्ड नहीं होती, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इससे पहले एक और क्वेश्चन हमारा छूट गया था, तो PTM में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो देख लेते हैं। एक आपके पास आता है, क्या आता है, एक कमांड आती है आपके पास जूम, क्या आती है जूम, ये पूछा जाता है एनलार्जिंग रिड्यूसिंग, यानी कि जो एनलार्जिंग मतलब बड़ा फैलाना और रिड्यूसिंग मतलब सिकुड़ना, ओके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास जूम कमांड का यूज़ किया जाता है। और वहीं पूछा जाता है रेक्टेंगुलर के लिए कौन सी कमांड REC का यूज़ किया जाता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन कर लिया जाए 32, ओके, तो विच एक्सिस इज नॉट यूज फॉर वर्किंग इन 2D फ्रेम। अब 2D फ्रेम में आपने जैसे ऑटोकैड करा होगा तो एक्स और वाई देखा होगा, जेड नहीं देखा होगा। ओके, तो आप लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू देखते हैं 2D में, जेड में आपके पास ये 3D में हो जाती है, एक्स वाई एंड जेड, ये आपके पास पूरा ही 3D में दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट सिस्टम फॉर राउंडिंग कॉर्नर, अब क्या आप लोगों ने देखे होंगे जो टेबल होते हैं वो इस टाइप के रेक्टेंगल ना मिला के, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है राउंड कर दिया जाता है टेबल को, ताकि चोट वोट ना लगे। ओके, यहाँ पे राउंड कर दिया जाता है, ये राउंड क्या कहलाता है, फिलेट कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, फिलेट, राउंडिंग कॉर्नर फिलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं हम क्या कह रहा है, हाउ मैनी वर्क स्पेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड 3, 4, 5, 6, कितने होते हैं आपके पास, 3 होते हैं जनरली। ओके, वर्क स्पेस क्या होता है, वर्क स्पेस कौन कौन से होते हैं, ये आपके पास होता है 3D बेसिक्स और आपके पास 3D मॉडलिंग और आपके पास एक होता है, क्या होता है, 3D मॉडलिंग एंड एनोवेशन। ओके, तो आपके पास ये 3 होते हैं, वहाँ कभी कभी पूछता है नॉट करके पूछ देता है, इनमें से नहीं है। ओके, इनमें से नहीं है करके आएंगे, 3D प्रिंटिंग जो होता है नहीं होता है। ओके, ये आपके पास नॉट करके आएगा, वर्क स्पेस आर नॉट अवेलेबल इन ऑटोकैड 3D प्रिंटिंग, भी ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपके पास 35 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच की इज़ यूज टू ऑब्टेन प्रॉपर्टीज पैलेट इन ऑटोकैड, Ctrl+1, Ctrl+F2, Ctrl+4, Ctrl+5, बताइए। तो जो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये आपके पास क्या होती है प्रॉपर्टीज किसकी पैलेट की। ओके ये आपके पास, चलिए ये तो नहीं, कंट्रोल प्लस टू की बता देता हूँ पहले। ओके कंट्रोल प्लस टू की बता देते हैं, फिर कंट्रोल प्लस थ्री की, ओके फिर कंट्रोल प्लस फोर की। ये आपके पास क्या होती है, ये डिज़ाइन सेंटर पैलेट होती है। अगर कहीं पे पूछ लिया डिज़ाइन सेंटर पैलेट, ओके अगर यहाँ बात करें ये आपके कंट्रोल टूल पैलेट के लिए, और कंट्रोल प्लस फोर के लिए सीट सेट पैलेट। ओके और लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो, आ जाता है एग्ज़ाम में पूछा अच्छा खासा जाता है। कंट्रोल प्लस सिक्स, कंट्रोल प्लस सेवन, कंट्रोल प्लस एट, कंट्रोल प्लस नाइन, ये लिख लीजिए आप लोग। ये आपके पास डीबी कनेक्ट मैनेजर के लिए, ये आपके कंट्रोल प्लस सेवन सेटअप मैनेजर, यानी कि बोल सकते हैं मैनेजर पैलेट के लिए। कंट्रोल एट किसके लिए, क्विक कैल्क के लिए, और कंट्रोल नाइन कमांड है, कमांड लाइन के लिए। ओके तो ये पूछे जाते हैं, लिख लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जिप्सम इज एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑर्डर, यानी कि जिप्सम क्या होता है सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, तो लेंथ ऑफ सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं रिटार्डर की बात करें शॉर्टर टाइम, ये एक्सीलेटर होता है। जिप्सम का उदाहरण क्या होता है रिटार्डर, एग्जाम्पल रिटार्डर, ठीक है। ये एक्सीलेटर होता है शॉर्टर टाइम सेटिंग टाइम, एक्सीलेटर कहते हैं इसको, तो बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इन सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, सबसे ज़्यादा कौन मेन होता है सीमेंट में, लाइम होता है ना, जिसका परसेंटेज 62 से 67% होता है। ओके तो आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी इजी क्वेश्चनों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज प्रोवाइड फॉर डाई कैल्शियम सिलिकेट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, ओके आप लोगों को पता होगा। अ स्ट्रेचर बॉन्ड इज यूजली यूज फॉर, कितनी होती है हाफ ब्रिक, स्ट्रेचर बॉन्ड हाफ ब्रिक, जबकि वन ब्रिक कौन सी होती है हेडर ब्रिक होती है। ओके ये होती है। फिर आपके पास आता है द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक इज सिमिलर टू इंग्लिश बॉन्ड, यानी कि जो ब्रिक का अरेंजमेंट होता है, ब्रिक का अरेंजमेंट इज इक्वल टू सिमिलर, बराबर होता है इंग्लिश बॉन्ड के, सिमिलर है एक जैसे का जैसा, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डच बॉन्ड बोला जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं इंग्लिश बॉन्ड का मॉडिफाइड रूप है, कौन है आपके पास डच बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड का ही मॉडिफाइड रूप है डच बॉन्ड। ओके तो ये लोग देख सकते हैं, तो पीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैकिंग बॉन्ड क्या होता है, इसको पहले हटा लेते हैं। रैकिंग बॉन्ड होता है आपके पास, लिख लीजिए, ये होता है आपके पास इंक्लिनेशन होता है, यानी कि ब्रिक ऐसे होगी आपके पास इंक्लाइंड में ब्रिक लगाए जाते हैं, तिरछे में ब्रिक होगी ये आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द लेंथ ऑफ चाइनीज जो मेजरिंग द डिस्टेंस इज लॉन्गर देन द स्टैंडर्ड लेंथ, ठीक है स्टैंडर्ड लेंथ से ज़्यादा हो गई, ओके जो नापी गई दूरी है वो ज़्यादा है स्टैंडर्ड लेंथ से, यानी कि नापी गई दूरी ज़्यादा है, स्टैंडर्ड लेंथ कितनी थी 30 मीटर थी मान लीजिए, और आपके पास जो मेजरिंग आपने नापी है वो 29 ही नापी है, ठीक है तो क्या हो जाए द एरर इस मेजर डिस्टेंस विल बी, जो एरर इस समय जो होता है आपके पास, एरर जो होता है नेगेटिव में ली जाती है इस समय, ओके जब आपने ये इतनी गलती कर दी। वही बात करें कुछ लिखा लेते हैं आपको, आप लिखना चाहें तो, ओके इंग्लिश में लिखा देते, हिंदी में बोल देंगे तो नोट करके लिख लीजिए। नोट वन, तो सबसे पहले लिखिए इफ अगर चैन इज टू लॉन्ग, ओके टू लॉन्ग है तो आपके पास द मेजर डिस्टेंस विल बी लेस, तो इस समय क्या हो जाएगा जो एरर होगी वो नेगेटिव होगी, जो करेक्शन होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर उसने कह दिया इफ़
चैन इस टू सॉन्ट कह दिया, टू सॉन्ट लिख लेना आप लोग पूरा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बारिश की दिक्कत हो रही, बारिश हो रही है। ओके, मेजर द डिस्टेंस भी मोर हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, एरर जो हो जाएगी आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, इसका उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 40वां छूट गया था, ठीक है 40 भी कर लेते हैं हम। द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर ड्यूरेबल कॉन्क्रीट इस कितनी होती है आपके पास, जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है आपके पास 0.4 से 0.6 से रखा जाता है। ओके, कहीं कहीं आप लोग देखेंगे आंसर इसमें 0.6 भी दिया, बट 0.7 जनरली होता है ड्यूरेबल कॉन्क्रीट में, तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी। ओके, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बताने के लिए तो बहुत कुछ था। ओके, तो अगली वीडियो में बता देंगे, नेक्स्ट पेपर उठाएंगे। ओके, 100 क्वेश्चन का अगला पेपर है, मंडे को करेंगे 100 क्वेश्चन का अगला पेपर। ओके, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, एंड प्रीवियस ईयर जितने भी होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं आएगा। अ स्टब रीडिंग टेकन अ पॉइंट हुज एलिवेशन डिटरमाइंड टू चेंज अ पॉइंट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, फोरसाइट बोला जाता है। जब भी आपके पास, हमने सबसे पहले बेंच मार्क लेते हैं, फिर बेंच मार्क से अगर हम चेंज पॉइंट, सॉरी ये बैक साइड लेते हैं, पहले बेंच मार्क लेंगे, बेंच मार्क हम सेटअप कर लेंगे, फिर सबसे पहले रीडिंग कौन सी होती है, फर्स्ट रीडिंग कौन सी होती है, बैक साइड होती है, फिर उसके बाद बीच के जो होते हैं इंटरमीडिएट साइड होते हैं, फिर लास्ट में अगर हमारे पास फोर साइड होती है, फोर साइड से जब भी हम चेंज करते हैं, यहीं पर हमारे पास चेंज पॉइंट होता है, तो हमने फोर साइड से चेंज पॉइंट करते हैं, फोर साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, इन प्लेन टेबल द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली इज कॉल्ड टेलीस्कोप एलिवेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करें हम टैक्योमीटर की, टैक्योमीटर क्या करता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करता है, इसको करता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस को ये भी मेजर करता है, बट ये आपके पास प्लेन टेबल में इसका यूज नहीं किया जाता है। क्लोनीमीटर आपके पास स्लोप निकालने के काम में आता है, एंगल ऑफ स्लोप निकालने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 हो गया, 46 कर लेते हैं। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन इन हेक्टेयर क्यूमेक डेल्टा इन मीटर इज बेस्ड अपॉन 8.64, क्या हो जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी का करेक्ट आंसर हो जाता है। बच्चे बच्चे को बताया, तो यहाँ पे आपको पूछा गया डिगेन का फॉर्मूला, डिगेन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी ए की पावर 3/4 इसका करेक्ट आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ स्मॉल चैनल द बैरो पिट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम डिस्टेंस नॉट लेस देन द टो एम्बैगमेंट, कितना होता है, ये आपके पास पूछा गया है यूके पीएससी जेई तक में तक पूछा गया है, यानी कि पीपीएससी जेई में भी पूछा गया था एक बार, क्योंकि बहुत से एग्जाम में पूछा गया, ड्राफ्टमैन के पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया, तभी मैं कहता हूँ इनको सॉल्व करिए आप लोग। ओके, हमारे साथ बनी रही है, कितना होता है 5 मीटर होती है जो बैरो पिट की लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट आरसीसी वॉल शुड नॉट एग्जिट डेट द थिकनेस ऑफ वॉल, उसकी वॉल की थिकनेस के बराबर कितनी होती है, एग्जिट नहीं करनी चाहिए, ये आपके पास होती है 3 टाइम्स होती है, आप लोगों को पता होगा। मैक्सिमम स्पेसिंग वर्टिकल रेनफोर्समेंट का आरसीसी के लिए, वे बीम के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, द एनालिसिस ऑफ स्लैब स्पेसिंग इन वन डायरेक्शन, स्लैब का क्वेश्चन है, वन डायरेक्शन इज डन बाई अज्यूमिंग टू बी बीम इज कॉल्ड, एक मीटर की वृत्त में ली जाती है, आप लोगों ने देखा ही होगा जनरली, तो इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको इसके नीचे ही। तो क्या होता है आपके पास, वन मीटर की वृत्त स्लैब, स्लैब का सबसे पहले रेशियो देख लेते हैं। ओके, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान, यानी कि एल वाई अपॉन एल एक्स से हम इसको डिनोट करते हैं, तो एल वाई ये आपके पास वन वे स्लैब, एल वाई अपॉन एल एक्स इज ग्रेटर देन टू, ये तो बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, अगर टू वे स्लैब है तो एल वाई अपॉन एल एक्स इज लेस देन टू। ओके, तो ये रहता है आपके पास, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये आपके जो है 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब पार्ट भी आपके पास देख सकते हैं, रीजनिंग आपके पास आ जाएगी पार्ट बी में। ओके, और थोड़ा जीके के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग ये आप लोग देख लेना। ओके, तो हमारे पास टेक्निकल के 50 क्वेश्चन हो गए हैं, अब नेक्स्ट पेपर हम करेंगे इसमें कितने क्वेश्चन का, वो भी आपके पास 2022 में पूछा गया है, कहाँ पे का, ये आपके पास तमिलनाडु का, यानी कि केरल का, तमिलनाडु का ये पूछा गया है। ओके, यानी कि अगर हमें इसको शॉर्ट में बताएं तो 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे, 100 क्वेश्चन आए थे वहाँ पर टेक्निकल के, TNPSC ड्राफ्टमैन में पूछा गया, ड्राफ्टमैन सर्वेयर में पूछा
गया था, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो 2022 का पूछा गया था, इसी को हम 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, डायरेक्ट तो आपके पास यहाँ से पूछे जाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, पंजाब के पेपर में ही बताया था, PSSB में और PPSC में बताया था। आप लोग पढ़िए, आपके पास कौन से TNPSC के आपके पास आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पेपर होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं, 25 क्वेश्चन आपके पास MP में डायरेक्ट पूछे गए थे ड्राफ्ट में, यहीं से, जो इस बार हुआ था 2022 में। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है पेपर, 100 क्वेश्चन आना ना भूलें। ओके, 100 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, चाहे हम 25 ही क्वेश्चन करेंगे उसको हम 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। ओके, ऐसी मतलब 100 क्वेश्चन को हम 4 दिन में इसलिए कंप्लीट करें विथ पूरा एक्सप्लेनेशन के हम साथ करेंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन आपने लिखना भी है, वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है ओके आप लोग फोड़ के आ जाएंगे, उसके आसपास भी कोई क्वेश्चन बनता है, ऐसे हम सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, चाहे कोई भी हो। ओके, और हाँ, जिसने भी आपके PDF नहीं लिए है, 35 PDF ओके, जो सारे ड्राफ्ट मैन को कवर करती है, कोई भी आप स्टेट का एग्ज़ाम दीजिए ओके, वो आप लोग ले सकते हैं। NHPC के लिए, NHPC ड्राफ्ट मैन के लिए आप लोग ले सकते हैं PDF 12 सब्जेक्ट की टेक्निकल। ओके, जल्दी इसमें हम GK भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग जब GK की बना देंगे NHPC ड्राफ्ट मैन के लिए, ओके, जनरल अवेयरनेस की, ओके, तो आप लोग उसको भी ले सकते हैं, इसके साथ इंक्लूड कर देंगे। तो ये आपके पास NHPC की अभी 79 रुपीज़ में मिल रही है, आप नहीं लेंगे तो कोई और लेगा, आपका दोस्त ज़रूर लेगा। आप लोग पढ़िए ओके, क्योंकि पेपर निकालना बहुत ज़रूरी है, 79-99 रुपीज़ मत देखिए, जल्दी से PDF ले लीजिए, उसको सॉल्व करिए, उसको 350-400 क्वेश्चन रहेंगे उसमें एक PDF में, आप लोग उसको सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, उसमें आंसर दिए हैं ओके ईजिली, एक दिन में एक सब्जेक्ट निकालते हो, 12 दिन में 12 सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके वो PDF से। बाकी आपको एक आध बुक भी सजेस्ट कर देंगे, एंड बाकी हमारे YouTube वीडियो देखते रहिए, उससे बाहर नहीं आएगा, टेक्निकल आपका पूरा कवर 100 आउट 100 भी आ सकते हैं ओके, किसी का अगर 100 मार्क्स का है तो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बाय बाय, टेक केयर।